स्टूडेंट्स, दिस इज हितल भंडारी फ्रॉम एचआर इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज. नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द सेम चैप्टर वी हैड स्टार्टेड इन द प्रीवियस लेक्चर, चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 8 रैशनल नंबर्स. वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द सेम इन दिस लेक्चर. एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. अब आइडेंटिटी मतलब क्या होता है कि तुम जो हो वैसा ही दिखना चाहिए, चेंजेस नहीं चाहिए. एक इंसान की आइडेंटिटी क्या होती है, वो खुद. अगर वो खुद एज इट इज सेम रहता है, मतलब उसके आइडेंटिटी सेम है. एडिशन में ऐसा कौन सा नंबर मैं ऐड करूंगी कि जिसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ वो नंबर एज इट इज रहेगा. जैसे अगर मैं 5 के साथ ऐसा कौन सा नंबर ऐड कर सकती हूँ कि 5 की आइडेंटिटी चेंज नहीं होके 5 ही रहेगा. जैसे अगर मैं 0 ऐड करूं तो 5+0 इज इक्वल टू 5, 6+0 इज इक्वल टू 6. मैं कितना भी बड़ा या कितना भी छोटा नंबर अगर 0 से ऐड करती हूँ तो नंबर ही आएगा एज इट इज. मतलब उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही है. कभी भी कोई भी नंबर को ऐड करने से उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है, उस नंबर को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी. मतलब मैं कोई भी नंबर को उस नंबर से ऐड करूंगी तो वही नंबर रहेगा. जैसे मैं कोई 05 से ऐड कर रही हूँ, 6 से ऐड कर रही हूँ, वो 6-5 जिससे पर्टिकुलर नंबर से ऐड कर रही हूँ उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी, वो पर्टिकुलर नंबर ही रहेगा. उसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी. एडिटिव आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0. ये तुमको 1 मार्क में, फिलअप्स में पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है. नाउ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी. ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो वो नंबर एज इट इज रहेगा. जैसे अगर मैं 2 को 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 2 रहेगा. अगर मैं 2 से एडिटिव आइडेंटिटी का 0, लेकिन अगर मैं मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी में 0 लूँ तो अगर मैं 2 से 0 इंटू करती हूँ तो मेरा आंसर 0 आता है, 2 नहीं, तो मेरी आइडेंटिटी चेंज हो रही है. सिमिलरली मैं अगर एडिटिव आइडेंटिटी में 1 लूँ तो मैं 2+1 करूँ तो 3 आता है, 2 नहीं. तो एडिटिव आइडेंटिटी है 0, मतलब 0 ऐड करने से कोई भी नंबर चेंज नहीं होता, उसकी आइडेंटिटी सेम ही रहती. वैसे ही मल्टीप्लीकेशन में अगर 1 इंटू करने से कोई भी नंबर एज इट इज सेम रहेगा, उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती. सो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी इज 1 एंड एडिटिव आइडेंटिटी इज 0. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 1 मार्क फिलअप के लिए ट्रू और फॉल्स में पूछ सकते हैं. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होना है. अगर नहीं समझ आ रहा है, नहीं लर्न है उस टाइम पे, तो याद करो कि अगर मैं 1 मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा नंबर सेम रहने वाला, अगर मैं 0 ऐड करूंगा तो नंबर सेम रहेगा. अगर कंफ्यूज हो जाओ, सम तुमको लगे कि एडिटिव आइडेंटिटी 1 है, तो देख लो ना, 3+1 करो 4 हो रहा है, रिजल्ट चेंज हो रहा है, 3 का 3 नहीं रह रहा है, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी नहीं है. एडिटिव आइडेंटिटी 0 है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी 1 है. क्लियर है इतना पॉइंट. अब एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स, वो दो भी अलग पॉइंट है. एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे अपन. इनवर्स मतलब क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी के केस में साइन चेंज हो जाती है. अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा. सिमिलरली मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. एडिटिव आइडेंटिटी समझो, एग्जाम्पल में अगर लू 8, तो 8 का क्या हो जाएगा, -8, मतलब पॉजिटिव 8 है तो उसका नेगेटिव 8 हो जाएगा. और सिमिलरली अगर मैं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में 8 लू तो वो हो जाएगा 1/8, मतलब मल्टीप्लीकेशन में था वो हो जाएगा डिवाइड में. मतलब मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में मतलब क्या होता है कि अपन को मल्टीप्लाई वाली चीज डिवाइड में ले लेनी है, और डिवाइड अगर 1/8 होता तो अपन उसको 8 ले लेते हैं. सिमिलरली अगर 3/4 होता तो उसका आंसर हो जाता 4/3. और एडिटिव इनवर्स के अंदर -6/2 होता तो खाली +6/2 रहता, 6/2 तो एज इट इज रहेगा, खाली साइन चेंज हो जाएगी. क्लियर है इतना. एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, इतना पॉइंट क्लियर है. अब अपन ने जो लास्ट इलस्ट्रेशन पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि तुमको प्रॉपर्टीज यूज करके सम करना है, मैंने तुमको पहले ही बोला था डायरेक्टली कैलकुलेशन करके एलसीएम से सम नहीं निकालना है. ये चैप्टर के अंदर प्रॉपर्टीज यूज करना बहुत कंपलसरी, विदाउट प्रॉपर्टीज 0 मार्क फॉर द सम. एंड ये सम प्रॉपर्टी के सिर्फ तुमको 2 ही दिए हैं, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एडिशनल सम्स तुमको ट्राई करते रहना चाहिए ताकि तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर हो. प्रॉपर्टी ये चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसलिए मैंने इतने डिटेल में फर्स्ट लेक्चर के अंदर पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया. राइट, नाउ यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड -2/3 इंटू 3/5 +5/2 -3/5 इंटू 1/6. अपन ने बहुत क्लियर पढ़ा है कि मल्टीप्लीकेशन वाले कट हो सकते हैं, डिविजन वाले कट हो सकते हैं, लेकिन प्लस माइनस वाले कट नहीं हो सकते. उसको एलसीएम के बेस लेके करना पड़ता है, लेकिन उसके लिए अपन लाइक टर्म्स आजू बाजू ले लेंगे. वो होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. क्या होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. अब इसमें मेरे 2 टर्म्स कॉमन है,
ये दोनों को साथ में सॉल्व कर सकते हैं, ये दोनों को साथ में सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज इन दोनों के बीच, सॉरी, ये दोनों को साथ में सॉल्व कर सकते हैं, इन दोनों को प्लस माइनस वाले सॉल्व नहीं कर सकते विदाउट एलसीएम, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन वाले ही सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन वाले में कटिंग पॉसिबल है। अब माइनस टू अपॉन थ्री और माइनस थ्री अपॉन फाइव इंटू वन अपॉन सिक्स आजू बाजू ले लेंगे और प्लस फाइव अपॉन टू साइड में ले लेंगे, बिकॉज इन दोनों में थ्री अपॉन फाइव कॉमन है, तो इनको इनकी खाली प्लेस चेंज की, जब भी प्लेस चेंज करते हैं मैटर नहीं करते है, उसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डेट इज ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, मतलब वैल्यू इधर से उधर रखने में कोई फर्क नहीं पड़ता, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही बोलता है कि वैल्यू को आगे पीछे कर लेते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाउ अब इसमें माइनस थ्री अपॉन फाइव अपन कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस टू अपॉन थ्री ब्रैकेट में हो जाएगा और ये जो माइनस की साइन है वो एज इट इज और वन अपॉन सिक्स ब्रैकेट के अंदर, अब प्लस फाइव अपॉन टू एज इट इज लिख देंगे। अब ये जो कॉमन लेने वाली प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कॉमन लेके कोई सम करते हैं उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कॉमन लेके कोई भी सम करते हैं उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अपन ने सिक्स सेवन स्टैंडर्ड में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, कॉमन लेने वाली प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब मैंने थ्री अपॉन फाइव कॉमन लिया, अब इन दोनों का एलसीएम ले लूंगी, तो एलसीएम क्या आएगा थ्री और सिक्स का सिक्स, तो थ्री टू जो टू टू जो फोर, माइनस फोर सिक्स वन सिक्स वन वन जो वन माइनस वन, माइनस फोर माइनस वन इज इक्वल टू माइनस फाइव। अब ये 5 अपॉन टू तो एज इट इज कंटिन्यू कर देंगे, 3 अपॉन फाइव इंटू माइनस फाइव अपॉन सिक्स हो जाएगा, मैं कटिंग करूं तो 5 इन 5 वन जा 5 माइनस वन रह गया, 3 वन जा 3 टू जा, तो ये क्या हो गया माइनस वन अपॉन टू प्लस फाइव अपॉन टू। अब मैं इन दोनों का अगर एलसीएम लूंगी तो मेरा 2 आएगा, तो 2 वन जा 2 तो माइनस वन इंटू वन इज इक्वल टू माइनस वन, 2 वन जा 2 1 5 जा 5 प्लस 5 प्लस माइनस माइनस 5 माइनस 1 4 साइन ऑफ ग्रेटर नंबर दैट इज 4 प्लस। Now, 2 1 2, 2 2 4. तो अल्टीमेट आंसर इज 2। अपन को प्रॉपर्टीज वाले सम पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी करके अरेंजमेंट करना है, फिर उसके अंदर कॉमन लेके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कॉमन लेके जो यूज करते हैं उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एंड फिर पूरा सम अप्रोप्रिएटली सॉल्व करना है, मेरा एंड रिजल्ट इसके अंदर क्या है 2। सिमिलरली एक और सम सॉल्व करेंगे ताकि क्लैरिटी आ जाए, सेकेंड सम 2 अपॉन 5 इंटू माइनस 3 अपॉन 7 माइनस 1 अपॉन 6 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 14 इंटू 2 अपॉन 5। ये तीनों तीन मल्टीप्लीकेशन वाले हैं, लेकिन इन तीनों में कोई दो चीज में एक टर्म कॉमन होगा, जैसे ये वाले में और ये वाले में 2 अपॉन 5 कॉमन है, तो मैं इनको आजू बाजू ले लूंगी, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। 2 अपॉन 5 इंटू माइनस 3 अपॉन 7 प्लस 1 अपॉन 14 इंटू 2 अपॉन 5, 2 अपॉन 5 दोनों में कॉमन आ गया, माइनस 1 अपॉन 6 इंटू 3 अपॉन 2 एज इट इज लिख दिया। अब ये कटिंग हो रही है तो मैं कर लूंगी बिकॉज ये मल्टीप्लीकेशन है, 3 1 जा 3 2 जा, तो ये माइनस 1 अपॉन 4 हो गया। इधर इन दोनों टर्म्स में 2 अपॉन 5 कॉमन है, तो मैंने 2 अपॉन 5 कॉमन साइड में लिख दिया, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। 2 अपॉन 5 कॉमन साइड में लिख दिया, उसको बोलते हैं कॉमन अलग से ले लेना और ब्रैकेट में फिर मल्टीपल्स लिखना, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज की, 2 अपॉन 5 कॉमन ले लिया, माइनस 3 अपॉन 7 प्लस 1 अपॉन 14 अंदर आ गया, क्लियर है, माइनस 1 अपॉन 4। अब 7 और 14 का एलसीएम 14 है, 2 अपॉन 5 तो बाहर रह गई, 7 2 जा 14 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6, 14 1 जा 1 1 जा, तो माइनस सिक्स और ये माइनस वन अपॉन फोर तो एज इट इज रह जाएगा, सेम रिपीट होगा, माइनस सिक्स प्लस वन माइनस फाइव अपॉन फोर्टीन माइनस वन अपॉन फोर, फाइव कट फाइव कट फाइव माइनस वन, टू वन जा टू सेवन जा, तो ये माइनस वन अपॉन सेवन हो गया एंड ये माइनस वन अपॉन फोर हो गया। अब इन दोनों का एलसीएम 28 होगा, 7 4 जा 28 बिकॉज दोनों अलग अलग नंबर है, एक दूसरे के टेबल में नहीं आते। 7 4 जा 28 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 4, 4 7 जा 28 तो 1 इंटू 7 7, माइनस 4 माइनस 7 माइनस 11 अपॉन 28, तो इसका एंड रिजल्ट क्या है माइनस 11 अपॉन 28। सिमिलरली सेम सम था एकदम, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज किया, अरेंज किया, उसके बाद कॉमन लेके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज किया एंड अल्टीमेटली सम सॉल्व किया एंड फाइनल रिजल्ट क्या आया माइनस 11 अपॉन 28। ओके, नाउ स्विचिंग टू द नेक्स्ट सम,
राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. मैंने पहले ही थियोरी पढ़ा ली. एडिटिव इनवर्स मतलब क्या होता है, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा. एकदम ईजी. 2/8 है तो -2/8 हो जाएगा. ऊपर नीचे नहीं होगा बिकॉज ओनली एडिटिव इनवर्स यूज करने के लिए बोला है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स यूज करने के लिए नहीं बोला है. -5/9 तो 5/9 हो जाएगा. प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया. अब -6/-5, -6 -5 तो ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर है बिकॉज ये दोनों ऑटोमेटिकली कट हो जाएंगे. तो ये नॉर्मल नंबर क्या 6/5, उसको मैं अगर एडिटिव इनवर्स करूंगी तो -6/5 हो जाएगा. क्लियर है? ये कंफ्यूज करने के लिए ऊपर नीचे जब माइनस होता है मतलब वो पॉजिटिव नंबर माना जाता है कि बिकॉज ऊपर नीचे माइनस तो कट ही हो जाता है. ठीक है, जब भी ऊपर नीचे माइनस हो तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो पॉजिटिव नंबर है उसका एडिटिव इनवर्स मतलब माइनस करना है. क्लियर है? अब 2/-9, जब भी माइनस की साइन नीचे होती है उसका मतलब ये होता है कि माइनस की साइन ऊपर स्विच हो जाएगी. मतलब ये है -2/9, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 2/9. नीचे डिनोमिनेटर में माइनस की साइन कभी भी नहीं रहती, अगर है तो वो ऊपर स्विच हो जाती है, न्यूमिनेटर में लग जाती है. तो जब न्यूमिनेटर में साइन लग गई तो उसका एडिटिव इनवर्स करूंगी तो पॉजिटिव बन जाएगा. क्लियर है? अब 19/-6, सेम सम, तो माइनस ऊपर चला जाएगा, -19/6. अब उसका एडिटिव इनवर्स करोगे तो 19/6 हो जाएगा. ये पॉइंट एकदम क्लियर हो गया. अब अपन को वेरीफाई करना है --x इज इक्वल टू x, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ करना है. अब हर जगह x की वैल्यू दी होगी और अपन को LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ करना है. इधर x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 11/15. अब LHS क्या है, -x. तो --x इज इक्वल टू -x की वैल्यू क्या है, 11/15. तो -, तो ये नॉर्मल 11/15 हो गई. RHS क्या है, x. RHS इज इक्वल टू x और x की वैल्यू क्या है, 11/15. तो हेंस LHS इज इक्वल टू RHS. सिमिलरली सेकेंड सब में क्या बोला है, -13/17. तो LHS क्या है, -x, तो इज इक्वल टू -. ये दो माइनस ऑलरेडी साइन के अंदर है. अब एक्स की वैल्यू भी माइनस है तो तीसरा माइनस भी लग जाएगा. तो ये -, प्लस हो जाएगा और ये -, माइनस हो जाएगा. अगेन बहुत कंफ्यूजन हो गया, बहुत माइनस एंड प्लस हो गए. ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है -x, तो मैंने -और -, दो बार लगा दी. अब एक्स की वैल्यू इटसेल्फ भी माइनस है, तो ये जो अंदर x की वैल्यू माइनस है और ये वाला माइनस है, वो दोनों मिलके प्लस हो जाएगा. एंड बाहर का माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा. तो अल्टीमेटली आंसर आएगा -13/17. एंड RHS क्या है, x मतलब -13/17. तो LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड. अब ये लेक्चर अपन ये वाले सम के साथ एंड करेंगे.